आ वर्षे આવનારા ચોમાસાને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ વર્ષ 2021નું નૈઋત્યનું ચોમાસું સામાન્ય રહેશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં 92 થી 108% જેટલો વરસાદ, ત્યારે દક્ષિણ ભારતમાં 93 થી 160% જેટલો વરસાદ વરસી શકે છે. જ્યારે વાત કરવામાં આવે મધ્ય ભારતની તો સરેરાશ 106% વરસાદ, જ્યારે ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં 95%થી ઓછો વરસાદ વરસે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. आज दोबारा अपडेटेड लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू किया गया है. ऑल इंडिया के लिए मोस्टली नॉर्मल रेनफॉल रहेगा और IMD ने 4 होमोजेनियस रीजन इंडिया का, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सर्दर्न पेनिनसुला के लिए सेपरेटली इशू किया गया है, पूर्वानुमान किया गया है बारिश का क्या होगा. एंड सेंट्रल इंडिया में जैसे हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, गुजरात आता है, सेंट्रल इंडिया के लिए बोला गया है कि अनुमान किया गया है एबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगी, मोस्टली 106% से ज़्यादा होने का संभावना है. वो पूरे सेंट्रल इंडिया के लिए है, गुजरात के लिए स्पेशली नहीं है. सेंट्रल इंडिया यानी जैसे मैंने बताया कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, वो पूरा का कॉम्बिनेशन में कंबाइंड जो फोरकास्ट किया गया है, पूर्वानुमान किया गया है, उसके लिए वो सारे रीजन के लिए जो किया गया है उसका टोटल जो रेनफॉल है वो एबव नॉर्मल रहेगा, इंडिविजुअल के लिए नहीं.